नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों भारत देश में यंग एज में बहुत ही कॉमन समस्या हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपने साइज को लेके काफी लंबे समय से परेशान रहता है और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से लेके अपने साइज से परेशान रहते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है इनके पीछे होने की क्या क्या कारण होते हैं इसे हम होम्योपैथिक दवाओं से किस तरह से अपने साइज को इंक्रीज करते हैं कर सकते हैं किस तरह से अपने साइज को बढ़ा सकते हैं होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है यदि इसका डोज सही मात्रा में हम लेते हैं तो हम अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं साइज को हम बढ़ा सकते हैं कई ऐसे ऑयल भी आते हैं जिसकी मदद से हम अपने साइज को बढ़ा सकते हैं यदि आप अपने साइज को लेके काफी लंबे समय से परेशान हैं, तो इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं इस वीडियो में मैं टॉप थ्री ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो आपके साइज को इंक्रीज कर सकती है कई व्यक्तियों में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं तो यहां जो तीन मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक मसाज ऑयल के बारे में भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको मसाज ऑयल का यूज करना है और कब तक रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं तो आपका साइज छोटा है आप साइज को लेकर परेशान है तो यह वीडियो आप अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनका भी साइज छोटा हो सकता है ताकि वे इस मेडिसिन का यूज करके अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सारे वीडियो और पिछले वीडियो जो अपलोड किए गए हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइज के छोटे होने के क्या क्या कारण होते हैं सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों जो ब्लड सप्लाई होती है वह प्रॉपर तरीका से कई व्यक्तियों में हमें देखने को नहीं मिलती है ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीका से फ्लो ना होने के कारण सही समय में तनाव नहीं आता है और साइज का छोटापन हमें देखने को मिलता है यदि सही समय में सही सप्लाई उन्हें मिलने लगती है और जब भी व्यक्ति यंग एज में जाता है तो उनका पेनिस ग्रो होता है और सही समय पे सप्लाई उनकी सही ब्लड सप्लाई सही रेगुलर होने लगती है तो उनमें साइज बहुत ही जल्दी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है और जैसे ही एज बढ़ते चली जाती है तो यह साइज उतनी तेजी से बढ़ता नहीं है और जब यंग एज आती है और साइज इंक्रीज होता है और व्यक्ति उस समय गलत संगति में मास्टर विशन करने लगता है जिसके कारण उनमें साइज का कम हमें देखने को मिलता है यदि आपने इस तरह की गलती करें हैं तो किस तरह से साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं जो मेडिसिन मैं आपको जानकारी आगे देने वाला हूं दोस्तों हस्त मैथुन भी बहुत ही बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है कई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मैथुन करते हैं जिससे कारण उनका साइज एक जगह पे आके रुक जाता है फिर उनका साइज बढ़ता नहीं है यह मुख्य कारण भी हमें देखने को मिला है और भी कई कारण होते हैं दोस्तों जेनेटिक फैक्टर कई व्यक्ति में हमें जेनेटिक फैक्टर देखने को मिलते हैं या कोई डिजीज उनमें जन्म से ही पाई जाती है जिसके कारण उनमें साइज छोटापन हमें देखने को मिलता है दोस्तों चलते हैं अब किन होम्योपैथिक मेडिसिन का हम यूज करें किस तरह हम ऑयल की सहायता से अपने साइज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों साइज की यदि हम बात करें तो सबसे अच्छी और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है जो पहले नंबर पे आती है दोस्तों साइडोनिया वालगेरिस ओनली फॉर यह साइज को लेके काफी अच्छी मेडिसिन है इसे हम थर्टी पोटेंसी में यूज करेंगे चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को टंग डोज आपको लेना है जीव में आपको लेना है यह जो मेडिसिन होती है साइज को बढ़ाती है और साइज में जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है उसको फ्लो आउट अच्छे से करने लगती है जब साइज इंक्रीज होता है और ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीका से होने लगता है और हम मेडिसिन लेने लगते हैं तो साइज धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगता है और यह जो मेडिसिन है हम कंटिन्यू कम से कम दो से तीन महीने तक रेगुलरली लेते हैं पेशेंट्स की कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार ही मेडिसिन के डोज को आगे बढ़ाया जाता है टू में भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और मदर टिंचर फॉर्म में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज लॉन्ग टर्म आइफ कर सकते हैं एक साल भी इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जा सकता है इस मेडिसिन का यूज मदर टिंचर फॉर्म में पंद्रह में पंद्रह बूंद रात में रेगुलरली आप इस मेडिसिन का यूज छह महीने से एक साल तक सा एक साल तक कर सकते हैं पोटेंसी के फॉर्म में तीन महीने तक दो महीने तक यूज किया जाता है दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आती है हमारी बहुत ही अच्छी मेडिसिन जब भी व्यक्ति को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और जो व्यक्ति गलत संगति के कारण मास्टरवेशन के शिकार हो जाते हैं जिसके कारण पंद्रह साल सोलह साल की एज में इस तरह की हरकते करने के कारण उनका ब्लड सप्लाई और ब्लड फ्लो ज्यादा न होने के कारण साइज में छोटापन हमें देखने को मिलता है और कई व्यक्तियों में हमने यहां भी देखा है कि साइज में टेढ़ापन हमें भी देखने को मिला है तो उसमें आर्नी का बहुत ही अच्छा काम करती है यह नस की सप्लाई को प्रॉपर तरीका से फ्लो आउट करने लगती है जिससे साइज में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है यह मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को टंगडोज आपको लेना है इस मेडिसिन के साथ आपको कंटिन्यूस मेडिसिन का सेवन करना है यह मेडिसिन तीन महीने तक आपको कंटिन्यू लेनी है वीडियो को लास्ट में जो ऑयल मैं बताने जा रहा हूं उसका यूज आपको करना आना चाहिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है तीसरे नंबर पर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों स्टेफेजगिरिया गिरिया कई बार हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा है जो यंग एज में जाते हैं और यंग एज में गलत संगति में चले जाते हैं मास्टरवेशन बहुत ज्यादा करते हैं और मास्टरवेशन करने के कारण जो उनकी साइज में छोटापन टेढ़ापन हमें देखने को मिलता है वहां की जो स्किन होती है वह शिथिल हो जाती है स्किन में लूजपन भी हमें देखने को मिलता है और कई व्यक्ति को नाइट फॉल्स भी हमें देखने को मिलता है नाइट फॉल्स बार बार कभी कभी हो तो यहाँ नॉर्मली होता है महीने में एक या दो बार हो तो इसे नॉर्मली माना जाता है और कई व्यक्ति को रेगुलर होने लगता है तो रेगुलर होने के कारण भी साइज में छोटापन हमें देखने को मिलता है वहां की जो स्किन होती है और जो नशे होती है वह शिथिल हो जाती है तो उसे इंप्रूवमेंट करने के लिए स्टफिस गिरिया बहुत ही अच्छा काम करती है इसका मेडिसिन का यूज हमें थर्टी पोटेंसी में करना है थर्टी पोटेंसी में चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को हमें यूज करना है और यंग एज में व्यक्ति यदि डिप्रेशन की कंडीशन में भी जा रहा है तो स्टेफेगिर थर्टी पोटेंसी में चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को यूज की जाती है यह यंग, यंग एज में बहुत ही अच्छा काम करती है और पुरुषों के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है स्टेफेगिर इसे थर्टी पोटेंसी में रेगुलर आप तीन से चार महीने तक लिया जा सकता है यह टू पोटेंसी में भी यूज की जाती है यह बन में भी यूज की जाती है पर पेशेंट्स की गलती क्या है और पेशेंट्स की कंडीशन क्या है और पेशेंट्स की सिचुएशन क्या है उसके आधार पे डोज सेलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करने के बाद इस मेडिसिन को रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं फिलहाल मैं आपको थर्टी पोटेंसी सजेस्ट कर रहा हूं आप पोटेंसी में चार चार गुण को तीन महीने तक यूज कर सकते हैं काफी अच्छे इसके हमें देखने को मिले हैं दोस्तों साथ ही साथ सांत ऑयल आता है काफी इफेक्टिव है इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है इसमें चार कॉम्बिनेशन मिलाए गए हैं इसमें अश्वगंधा मिलाया गया है वगैरह मिलाया गया है और भी दो अच्छे कंटेंट जो इसमें मिलाए गए हैं इसका प्रॉपर तरीका से आपको मसाज करना है इस ऑयल का नाम है दोस्तों आर ए पी एल वन फिफ्टी फोर ऑयल है इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं जब भी आप मसाज करें तो उसके दस से दस से बीस मिनट तक उस पार्ट में पानी नहीं लगना चाहिए जब भी आप मसाज करते हैं टू टाइम मसाज आपको करनी है सुबह और शाम को जिस तरह से आप जिम में कसरत करते हैं और आपकी बॉडी इंक्रीज होती है बॉडी बढ़ती है मसल आप मसाज करते हैं सुबह शाम डेली यदि आप करते हैं रेगुलर बेस में यदि दिन में एक बार भी आप नियम बना लें तो आपके साइज में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है वहां की मसल्स जो होती है फूल आती है वहां की जो नशे होती है उसमें अच्छा तनाव होता है और वहां पे इंप्रूवमेंट हमें जरूर देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ प्रॉपर तीन मेडिसिन है आपको यूज करनी है यहाँ मसाज ऑयल आपको यूज करना है आपके साइज में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो लाइव क्लिनिक में रात्रि नौ बजे आप मेरे पूछ सकते हैं यदि आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं या फिर साइज वगैरह से परेशान हैं या प्रीमेच्योर एजुकेशन टाइल्ड फंक्शन से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे, दे देता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत बंदे मातरम